आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। नगर में हुआ पंचक्रोशी यात्रियों का आगमन, नर्मदे हर की जय घोष से गूंजा यात्रा मार्ग। ओंकारेश्वर से पहले पड़ाव पर पहुंचे हजारों यात्री। सनावद तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर से देव उठनी एकादशी पर 5 दिवसीय लघु पंचक्रोशी यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें शामिल यात्री अपने पहले पड़ाव पर नगर में आए। सुबह से मालवा निमाड़ के हजारों श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ। पूरे रास्ते श्रद्धालु नर्मदा हर की जय घोष करते हुए मां नर्मदा का गुणगान कर रहे थे। नगर में भी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं द्वारा यात्रियों की सेवा के लिए पलक पावड़े बिछाए गए। यात्रियों के आने का सिलसिला सुबह 5 बजे शुरू हुआ, जो देर शाम तक चलता रहा। यात्रियों के रुकने की व्यवस्था कृषि उपज मंडी, धर्मशाला, शासकीय स्कूल और अन्य स्थानों पर की गई। यात्रा में सुरक्षा और निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन ने अलग अलग विभागों को जिम्मेदारी देकर कार्यों में लगाया। नगर में अशोक जैन बागोत की ओर से चाय, रेलवे गेट के व्यापारी संघ की ओर से खीर, मां नर्मदा भक्त मंडल के लवकुश राठौर की ओर से फरहाली खिचड़ी, गुरुद्वारे के सामने चाय, सुभाष चौक में नीमा परिवार द्वारा केसरिया दूध सहित अन्य श्रद्धालुओं द्वारा भोजन और स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई। प्रशासन अधिकारी SDM प्रदीप सोनी, SDOP अर्चना रावत, तहसीलदार अंतर सिंह कलेश, TI राजेंद्र बर्मन सहित राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य विभाग की भी जिम्मेदारी रही। यात्री यात्रा के दूसरे पड़ाव में ग्राम टोकसर पहुंचेंगे, जहां नाव से नर्मदा पार होने की व्यवस्थाओं को हजारों यात्रियों को सहमल्ला छोड़ेंगे। यात्रियों की गणना होगी कि इस वर्ष यात्रा में कितने नागरिक शामिल हुए। यात्रियों के नगर में रहने से आज दिन भर प्रमुख मार्ग और चौराहों पर इनकी भीड़ देखते बन रही थी। देर शाम अनेक लोग तुलसी विवाह करवाकर इस आयोजन में अपनी भूमिका निभाएंगे। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट।